आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर टॉप 2 ट्रेंडिंग रील्स जो एक ही ऑडियो पे काफी वायरल हो रही है। इस रील को एडिट करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक ही क्लिक में उस रील को एडिट कर सकते हो। मैं किस रील के बारे में बात कर रहा हूँ आप थंबनेल देखकर पता कर ही लिया होगा। अगर नहीं पता है चल रहा है तो फिर आप रील देख लो पहले। तो इस रील को बनाने के लिए फटाफट आप लोगों को क्या करना होगा, आपके पास जो एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी जो करना जिसका नाम है VPN एंड कैपकट। कैपकट डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल उसको डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और VPN ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हम VPN को कनेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे यहाँ पे VPN कनेक्ट हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर। अभी तक इस वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे शेयर कर देना कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फटाफट यहाँ से VPN कनेक्ट हो जाता है तो मैं आपको एक रील एडिट करके बताऊंगा और वैसे ही प्रोसेस करके आप दूसरे रील को भी एडिट कर सकते हो। मैं टेम्पलेट का लिंक बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रोम ब्राउजर में ओपन करेंगे क्रोम ब्राउजर को। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको सर्च कर लेना है इमजाय कैपकट टेम्पलेट, ठीक है। इमजैप कैपकट टेम्पलेट सर्च करने के बाद आपको ऊपर ही ये दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करते ही आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करते ही आपको ये दिख जाएगा, ये वाला टेम्पलेट इसको यूज करना। उसकी यूज करने के लिए आप लोगों को नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे दिख सकता है आप, यहाँ पे लिखा होगा यूज टेम्पलेट ऑन कैपकट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही थोड़ा सा वेट कर लेना। वेट करोगे तो आपके डायरेक्ट कैपकट ऐप में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इसके बाद से कैपकट में ओपन कर देगा, आप यूज टेम्पलेट वाला ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक अपने फोटो को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फोटो को कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब प्रीव्यू वाला आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ तो मेरा जो वीडियो है यहाँ पे बनकर आ चुका है, देख सकते हो। अब इसको सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और एक्सपोर्ट विदाउट ऑटोमार्क पे क्लिक कर देना है, आपकी ये वीडियो सेव हो जाएगा, बनकर आ जाएगा। अब इसमें रियल वाला ऑडियो ऐड कर देना जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है। तो रियल वाला ऑडियो का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो एक वीडियो होगा तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद बैक हो जाना और बैक हो जाने के बाद यहाँ से कट कर देते हैं। फिर से हम दोबारा कैपकट ऐप को ओपन करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद जो वीडियो कैपकट ऐप में एडिट किया था टेम्पलेट से, उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद एंड में आना है। अब आपको यहाँ पे ये ऑटोमेटिक दिया जाता है कैपकट की तरफ से, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देना और फिर से स्टार्टिंग में आना और लेयर वाले आइकन पे क्लिक करके इसका वॉल्यूम कम कर देना है, ठीक है। वॉल्यूम का ऑप्शन नीचे दिख जाएगा, वॉल्यूम 0 कर देंगे, राइट कर देंगे। अब यहाँ पे ऐड ऑडियो वाला ऑप्शन दिख जाएगा, ऐड ऑडियो वाला आइकन पे क्लिक कर देना और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना। जो वीडियो को डाउनलोड किया था उस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद देख सकते हो मेरा ऑडियो बनकर आ चुका है। और उसके बाद से क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसी वाला ऑप्शन दिख जाएगा, ये तीज वाला क्वालिटी वाला, इस पर क्लिक कर देना और इसको हाई कर देना और इसको 60 पर कर देना, ठीक है। उसके बाद से एरो वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ इसको सेव कर लेना, या हाई क्वालिटी में आपके वीडियो सेव हो जाएगी, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब वैसे ही करके दूसरे को भी एडिट कर लेना है। उसके लिए आपको दूसरे टेम्पलेट का नाम मैं बता देता हूँ। उसके लिए क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर सर्च करना है ब्लर इफेक्ट कैपकट टेम्पलेट, ठीक है। ब्लर इफेक्ट कैपकट टेम्पलेट सर्च करने के बाद यहाँ से गो कर देना। अब आपको ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे ध्यान देना, ये वाले जो कैपकट का जो लोगो होता है वहीं पे यहाँ पे दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे, तो यूज़ कौन सा करना है मैं बताता हूँ। मैं आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना तो देख सकते हो ये जो कैपकट का आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यूज नहीं करना है, 1 वाले को यूज नहीं करना है, 2 को भी यूज नहीं करना है, 3 को भी नहीं करना है और ये 4th वाले को यूज करना है, ठीक है। तो 4th वाले को यूज करने के लिए यूज दिस टेम्पलेट इन कैपकट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं ये फिर से क्या कर देगा, आपके कैपकट ऐड ट्रांसफॉर्म कर देगा। सॉरी, तो पहले आपको इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे यूज टेम्पलेट इन कैपकट आज कर दिखाई, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना है, अब आपके कैपकट में ओपन करेगा ये तो यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हो। अब यहाँ पे यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे और वैसे ही वीडियो को सेलेक्ट करना है। इस ये टेम्पलेट जो है वीडियो के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट करके प्रीव्यू पर क्लिक करके जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे कर दोगे तो ये भी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना
कोई भी डाउट होगा तो कमेंट पर पूछना, और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करता जब जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिर मिलते हैं आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।